कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत खोल के दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताई है। मैं ये नहीं कहूंगा और बड़े बोल नहीं बोलूंगा कि वर्ल्ड का सबसे पहला वीडियो वर्ल्ड में ये हो, मेरे के लिए तो यार ज्ञान नॉलेज एक बराबर है, मुझे आता है तो मैं दे रहा हूँ सीधी सी बात। मैं यहाँ पर आपको ये देखिए वीडीडी क्यू की लाइन है जहाँ पर ये वोल्टेज आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये देखिए ये वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको वोल्टेज देखने को मिलेंगे। ये आपकी है एस्ट्रा बक, नाम लेना एस्ट्रा बक। बेसिकली ये आपकी जो लाइन है इसको हम VS2 की भी लाइन बोलते हैं मीडियाटेक के अंदर, ठीक है। सो ये वोल्टेज आपको, अगर ये आईसी खराब रही, ये आईसी पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कई बार जैसे फीडबैक की लाइन के लिए भी जाता है, इसमें डिवाइडर रजिस्टर भी लगा होता है, इस लाइन पे एक डिवाइडर रजिस्टर भी होता है। अगर ये रजिस्टर भी खराब हो गया, इसको सेल्स के रूप में जाता है, यहाँ पर 0.6 वोल्टेज आता है। अगर ये रजिस्टर भी एक निकल गया तो भी ये वोल्टेज फ्लक्चुएट करेंगे, निकल जाने वाले सेट डेड हो जाएगा, आप पता ही नहीं कर पाएंगे कहाँ से डेड है, आप ही डेथ रह जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ये आईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखनी है। अब अगर मैं यहाँ पर रैम की बात करूं, तो पहले रैम में भी आपको इंपॉर्टेंट में जब अगर हम डीसी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो हमें कितनी रीडिंग आएगी सब कुछ बताने वाला हूं भाई इस वीडियो में, बहुत तहलका वीडियो होने वाला, बहुत धमाल, और मुझे लाइक चाहिए और कमेंट के साथ में। चल तो शुरुआत करते हैं कि सर ये तो सीपीयू हो गया, ठीक है, ये रैम हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कभी भी अगर इस तरह की आप आईसी देख रहे हो तो ये खाली रैम है जो बेसिकली प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट होता है। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें तीन तरह की चीजें आपको मिलेंगी, एक इसमें मिलेगा इनपुट, जो हमें देख समझना है, इनपुट मतलब कौन से इसमें इनपुट के लिए वोल्टेज आ रहे हैं। तो हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। हाँ माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल और इस समय मैं अभी ये जो वीडियो है मेरी लैब में नहीं, मेरे इंस्टीट्यूट में बन रहा है। आज हमारा डुअल लेकर का दिन है, आज है 21 तारीख और अभी मेरी जो क्लास चल रही है वो डुअल लेकर की क्लास चल रही है। अगर आप इसको लाइव देखना चाहते हैं तो फेसबुक में जाकर इसे टेलीकॉन सर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मोबाइल पेमेंट की बुक परचेस करना चाहते हैं, बहुत नॉलेज दिया और अभी मेरा नेक्स्ट वर्जन भी आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ गूगल में इसे टेलीकॉम लिखिएगा और आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी। और जैसे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं सर बुक कहाँ से परचेस करें, सो आपको यहाँ पर ये बुक आ जाएगी। सो आप इस बुक को यहाँ से डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं, और अभी आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस ऑफर चल रहा है, और ये बुक को मैंने जो दाम है दोस्तों एक टी शर्ट के रुपए का दाम है, पर वो भी आप देखें तो एक अच्छी रुपए की टी शर्ट, ये नहीं 200-500 रुपए की टी शर्ट। तो ये बुक आपके लिए ये होगी ना कि एक नॉलेजेबल, आप इससे बहुत नॉलेज निकाल सकते हैं, यहाँ पर हर तरह की सप्लाइयों के बारे में यहाँ समझाया गया है, और इसके बारे में अपडेट आने वाले हैं जिसमें मैंने डाटा GRC बहुत कुछ काफ़ी कुछ देके रखा हुआ है। इसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा, सेम आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर की क्लास में मिलेगा। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर बाय नाउ में टिक कर सकते हैं, और अगर आपको हार्डवेयर की बुक खरीदनी है तो हार्डवेयर पर टिक कीजिए, सॉफ्टवेयर की बुक खरीदनी है तो सॉफ्टवेयर पर, और नेक्स्ट में जाकर आप अपना सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करके आप इसको पे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, सो ये इस वीडियो का क्या है दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली मैं उन लोगों को नॉलेज देना चाहता हूँ जो अभी बेसिक में काम कर रहे हैं, जो Redmi 9 ये जैसे फोनों में फंस रहे हैं, जिनको ISO के बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए है। जितने भी जो टेक्निकल भाई जो या दुकान वाले काम कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ कि जिस मोबाइल में MMC अलग से होता है, अब जैसे हम क्या जानते हैं कि CPU के पास जो बड़ी IC होती है वो MMC होती है, पर यहाँ आपने नोटिस करो ये IC कहीं से MMC जैसी नहीं लग रही है, एक लंबी और उसके जस्ट पीछे एक IC और लगी हुई है, तो हम हमेशा ऐसे सेट में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप कितने भी मोबाइल देख लो, आप टेक्नो के फोन देख लो, आप बहुत सारे आईटेल या कुछ इस तरह के फोन भी आते हैं मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ, जहां पर रैम अलग से दी दी जाती है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर है क्या, देखिए ये रेडमी का अगर मैं बात करूं, ये सेट एक Redmi का एक लेटेस्ट सेट है और अभी मार्केट में खूब आ रहा है, 9A है, और इसमें मैं बात करूंगा तो ये आपका CPU है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये MDK का CPU लगा हुआ है, यहाँ पर MediaTek का CPU लगा हुआ है 6-7 वर्जन के साथ में इसके, और आप देखिए तो यहाँ पर है ना MMC अलग से लगी हुई है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर उन्होंने रैम लगा के दी हुई है। तो इसलिए कंफ्यूज कभी मत होना, अगर आप बोर्ड में काम कर रहे हैं और अगर आपको इस तरह की कुछ IC मिल रही है
जिसमें आपको इस तरह का सेट मिल रहा है आईसी का जो सीपीयू के पास जनरली, तो आप इसको रैम समझिए, ये रैम है मेरे दोस्त। और जब भी दिमाग में रखो, भले ही वो एक डुअल डिकर हो या फिर डुअल डिकर में तो रैम इसके ऊपर लगी होगी, भले ही वो एक वन प्लस या किसी के भी, तो जब भी ये कोई सा भी मॉडल होगा और अगर रैम आपको अलग से दिखाई दे रही है, रैम अलग से दिखाई दे रही है, या भले ये डुअल डिकर हो जिसमें सीपीयू के ऊपर ही रैम लगी होती है, तो उस सेटों में आपको जो एमएमसी देखने को मिलेगी वो मिलेगी VGA 153। तो यहाँ पर VGA 153 आपको एमएमसी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो है कि कैसे इसको चेक करें, ये वीडियो है कि क्या इसमें सप्लाई लाइन है। आइए समझते हैं, देखते हैं कि कितना हम समझ सकते हैं और कितना हम समझा सकते हैं। तो चलिए जैसे कि मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ, एक Redmi 9A का सेट है, यहाँ पर ये सीपीयू है MediaTek 7 वर्जन के साथ, यहाँ पर रैम लगाया हुआ है और यहाँ इन्होंने एमएमसी लगाई है VGA का 153 और ये एमएमसी है। तो कैसे हम एमएमसी को चेक करें और कैसे हम रैम को चेक करें, आइए ये जानते हैं। और ये जानने के लिए सबसे पहले हम इसके लेआउट में जाते हैं। तो दोस्तों ये इसका लेआउट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एमएमसी है, ये वाला जो फॉर्म आप देखेंगे, ये एमएमसी का फॉर्म देखेंगे, ये देखेंगे, और ये जो है ये है VGA 153। VGA मतलब बॉल ग्रिड एरे। सो बेसिकली 153 VGA जो होता है ये आपका एमएमसी में भी आता है और यही आपका UFS के अंदर भी आता है, दोनों के अंदर ये VGA 153 आपको देखने को मिलेगा। अब VGA 153 जब भी आपको मिले तो ये केवल और केवल एमएमसी है, मतलब एक स्टोरेज आईसी है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की रैम नहीं लगाई गई है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये स्टोरेज आईसी है और इसमें अगर रैम नहीं लगाई है तो रैम कहां होगी, तो रैम की बात कर लेते हैं। तो रैम आपको यहां पर अलग बोर्ड में देखने को मिलेगी, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, देखिए ये देखिए। तो रैम आपको जो देखने को मिलेगी बिल्कुल, आप दोस्तों इसकी फोटो खींच लेगा, ये देखिए। तो दोस्तों इसकी आप ना स्क्रीन शॉट ले लेना, यहां पर आपको ना ये रैम मिलेगा। तो ये जो पार्ट है ये आपका रैम है, ये जो पार्ट है ये आपका रैम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको चेक कैसे करें, कहां पर कौन से सप्लाई चेक करें और रैम की वजह से, और इसमें जब अगर हम डीसी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो हमें कितनी रीडिंग आएगी, सब कुछ बताने वाला हूं भाई इस वीडियो में। बहुत तहलका वीडियो होने वाला, बहुत धमाल, और मुझे लाइक चाहिए और कमेंट के साथ में। चल तो शुरुआत करते हैं कि सर ये तो सीपीयू हो गया, ठीक है, ये रैम हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कभी भी अगर इस तरह की आप आईसी देख रहे हो तो ये खाली रैम है जो बेसिकली प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट होता है। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें तीन तरह की चीजें आपको मिलेंगी। एक इसमें मिलेगा इनपुट, जो हमें देख समझना है, इनपुट मतलब कौन से इसमें इनपुट के लिए वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप रैम के इनपुट वोल्टेज को नहीं समझेंगे तो आपको कभी भी आप फोन को बना नहीं पाएंगे। क्योंकि रैम में ना दो तरह के इनपुट वोल्टेज आते हैं, एक आता है बेसिकली 1.8 और ये वाला जो 1.8 है ये बेसिकली L5 के ना सीरीज से आता है, जो एमएमसी में 1.8 आता है ना VCC Q, तो ये VCC Q के तौर पे 1.8 वोल्टेज इसको मिलता है, और एक मिलता है रैम को 1.2। दोस्तों ये वोल्टेज ना मिस्टीरियस वोल्टेज है, क्योंकि अगर मैं क्वालकॉम की बात करूं तो ये आपको पावर से मिल जाएगा, और अगर मैं क्वालकॉम की बात करूं तो ये आपको पावर के LDO सेक्शन से मिलेगा, पर अगर मैं NTK की बात करूं तो हो सकता है पावर के सेक्शन से मिले अगर बड़ी आईसी लगाई है जिसमें VS1 VS2 भी है, पर अगर ये मान लीजिए NTK आता भी है तो ये हो सकता है कि ये आपको इसके बक लाइन से मिले, बक। सो बेसिकली ये बक लाइन के मिलता है जो कि NTK बनाता है, जिसको हम DRAM की सप्लाई बोलते हैं, DRAM जो हमारे प्रोसेसिंग के लिए CPU में जाता है, और यही वोल्टेज हमारा बेसिकली आपको इस एमएमसी इस रैम के ऊपर देखने को मिलेगा। आई होप कि आप इतना समझ रहे होंगे। चलिए इसके सर्किट में घुसते हैं और इसको जानते हैं। और फाइनली दोस्तों अब हम इसके सर्किट को थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं, फिर बाद में इसके ना बेड मैप पर आ जाता हूँ। अगर मैं सर्किट को डिटेलिंग करूँ यहाँ पर, तो इसमें मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ, इसके सर्किट को कंबाइन कर लेता हूँ और यहाँ से देखिए। तो यहाँ पर हम बोर्ड में इसलिए यूज कर रहे हैं बेसिकली क्योंकि यहाँ पर डायग्राम हम यूज कर रहे हैं और ये डायग्राम के लिए ही बना हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ आकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं U5 01 को ढूंढूंगा तो ये मेरे को आ गया। अच्छा देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मेरे को ये आईसी आ रही है। सो आप नोटिस करना कि बेसिकली इस आईसी में कहाँ कहाँ आपको
एड मिलेंगे और कहाँ कहाँ आपको, नहीं तो बाकी सारे एजेंसी मिलेंगे। तो भी काम करते ना कि इन सारों को, इसको नहीं लेता मैं, इसके साथ मैं ना बिड मैप को लेता हूँ ताकि आपकी और क्लियरिटी बढ़ जाए। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ और बिड मैप को ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसको फिर वापस हटाकर इसको लेता हूँ। ये देखिए बड़ी हमारे लिए और भी अच्छी चीज होगी। तो अब आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको एजेंसी बताता हूँ। अब देखिए, अब आपको ज्यादा अच्छा समझ में भी आएगा यहाँ पर, तो अब आपको ज्यादा अच्छा समझ में भी आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ U1501, एंटर मारेंगे। चलिए अब आप देखिए कि बेसिकली क्या हो रहा है, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताता हूँ। तो दोस्तों माफी चाहूंगा वीडियो कट होने के लिए, क्योंकि अब हम फोन से वीडियो बना रहे हैं और ये थोड़ा सा फोन आ गया था किसी का। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ, पहले मैं आपको इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास का कॉन्टेंट है भाई, इसलिए देखो पूरा और जितना हो सकता है उतना फैला दो, क्योंकि आप तुम किसी का बाफायदा करोगे तो अच्छा ही है। क्लास भी आने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है ऐसा टेलीफोन वही आएगा जिसको सीखना होगा, बाकी अपने घर बैठे अपने चद्दर में बैठ के ना ऑनलाइन कोर्स करके अपने पैसे बर्बाद करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी आना पड़ेगा, क्योंकि करना तो प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूट में ही हो पाता है। मैं दोनों को समझा देता हूँ। सो देखिए सबसे पहले मैं ना एमएमसी को एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में मैं इसकी कोडिंग और ये बताऊंगा कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए और कैसा चेक करना है। सो मैंने बोला इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो देखिए ये जो है ये VGA का 153 है, जितने भी ब्लू कलर के जो डॉट है ना, ये सारे ये ना आपके NC है, NC मतलब ये यूज ही नहीं होते। अगर मैं आपको ये डॉट यहाँ से दिखाऊं, देखिए तो हम इसको A में है, अभी हम इसको B में करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो आप देखिए मैं इसको और सर्च करूंगा तो यहाँ पे B में आ गया। तो आप ये नोटिस कीजिएगा, और ये जितना भी ये देखो ये पूरा की पूरा NC, जैसे देखो यहाँ पर क्या है A1, आप ध्यान देना A1 यहाँ पे देखो ये नो स्टेप पॉइंट है, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ये A1। तो जितना भी जो ब्लू वाला पार्ट है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये आपका NC है, ये देखो पूरा NC है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रैम है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ MMC है, मतलब इसमें आपके वही जो ISP कनेक्ट करते हैं ना, हमारी क्लॉक डाटा रीसेट और डाटा 0 से डाटा 7 तक की लाइन। सो अभी आप देखे तो इसमें ये NC हो गया, येलो जो वाला पार्ट है ये आपका MMC को कनेक्ट करने के लिए, और बेसिकली ये जो ग्रे कलर का पार्ट देख रहे हो आप, ये ग्रे कलर का ये आपका बेसिकली ग्राउंड है। सो अगर जैसे बोलो A, तो ग्राउंड को भी हम इसको चेक कर लेंगे फिलहाल। तो हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें हमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी लाइन और कहाँ कहाँ कौन कौन सा वोल्टेज मिलना चाहिए, तो स्क्रीन शॉट भी लेते हुए चलना। देखो अभी आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो बैक करके ले लो कि भाई ये NC है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तो हमें ना इस IC को ढूंढना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सच में U1501 डाला हुआ है। अब यहाँ पर मैं इसको आगे जैसे करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए U150A आ गया, क्योंकि यहाँ पर इसको A और B दोनों से बताया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि IC को पूरा एक जगह डाल नहीं सकते हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं B, C, D और कई बार ये नंबर में भी लिख देते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये आपका है MMC और ये MMC है 153। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो इंपॉर्टेंट चीज देखो, 1, 2, 3, 4, 5 पांच पैड केबल और केबल 1.8 वोल्टेज है। यहाँ पर ये L5 की लाइन आ रही है, बेसिकली है आपके वोल्टेज रेगुलेटर, जैसे VVAC की लाइन बोलते हैं हम, VCC क्यू पे आ रही है। और चलो हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, तो ये आ रही है C6। तो ध्यान रखिएगा केबल पैड के अंदर C6 देखिएगा, IC निकाल के चार्जर लगाकर। तो C6 ढूंढते हैं, ये नो स्टेप पॉइंट मान लिया 1, 2, 3 ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये इस पैड पर आपको 1.8 वोल्टेज मिलने चाहिए, ये देखिए। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लो ताकि मैं इसको हटा दूं और ये आपके लिए क्लियर हो जाए कि सर ये जो लाइन है ये लाइन आपकी VCCQ है, ध्यान देना। अब ये पैड, अब देखो ये पैड किन किन से कनेक्ट हो रहा है, 1, 2, 3, 4 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे देखो 5 पैड कनेक्ट हो रहे हैं, आप नोटिस करना। और यहां पे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 पैड कनेक्ट हो रहे हैं, तो बिल्कुल जस्टिफाई हो गया 5 पैड। और ये जो जो भी पैड है यहां पर बेसिकली 1.8 वोल्टेज आ रहा है। लो भैया ले लो स्क्रीनशॉट। चल
आई होप ले लिया हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं, अब इसके बाद में बाकी एक नोटिस कीजिएगा, अब इसके बाद में यहां पर एक दो तीन चार, चार पैड पे आपको 2.8 वोल्टेज मिलने चाहिए, ठीक है। ये आपका बेसिकली हो जाएगा VCC, और VCC देखो लिखा भी है, तो आप E6 या कोई सा नहीं F5, तो मैं E6 देख लेता हूं। तो देखो C6 पर आपको 1.8 वोल्टेज और E6 पर आपको आ गया 2.8 वोल्टेज। अगर ये दो वोल्टेज मिल जाते हैं तो एटलीस्ट ये है कि आपका MMC कनेक्ट होगा, भले RAM कनेक्ट होना हो, अगर पर इसमें तो MMC है तो ये तो कनेक्ट होना ही चाहिए, तो MMC कनेक्ट होगा। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारा पैड कौन सा है, तो हम E6 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सो ए बी सी डी ई और ये हो गया 6। तो आइए, तो मतलब ये वाला जो पैड है, पहले मैं इसको यहां पर टच करके दिखाता हूं, और आई होप कि आपने फोटो ले लिया हो। देख ये वाला जो पैड है ये आपका है कि देखो यहां पर आपने देखो यहां लिखा हुआ है वोल्टेज फॉर EMMC पावर EMU, और ये वाले पैड पे आप देखिए लिखा हुआ है VIO 1.8 वोल्टेज। तो ये वाला जो पैड है एक दो तीन चार देखो, और अगर मैं यहां पर दिखाऊं ये वाला पैड, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा एक दो तीन चार देखिए कनेक्ट हो रहे हैं आप। तो मेरे भाई इसकी भी फोटो खींच लेगा, एक दो तीन चार, और ये कनेक्ट है आपके ये लाइन, तो यहां पर आपको 2.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, ये है VCC, और ये आपको चार्जर लगाने के बाद में आना चाहिए MMC उतार कर। भाई ये अगर आपको आया तो एटलीस्ट ये मानेंगे कि PMU से आने वाली सप्लाई ओके, मतलब PMU ओके माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको मिलेंगे बेसिकली 2.8 वोल्टेज और यहां पर मिलेंगे 1.8। सो दो चीज याद रख लो, C6 और याद रख लो E6, 1.8, E6 2.8, और ऑलवेज अब कोई सा भी मोबाइल सॉरी बीजे अलग वन फैक्ट्री, ये दो पैक लिख लो, भूलना मत, फोटो खींच लो, ठीक है। अब आप देखो इतने पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, अब हमारे को क्या क्लियर करना है, क्लॉक रिसेट डाटा की लाइन और डाटा सप्लाई रिसेट कमांड और एक डाटा। सो बेसिकली ये चार सप्लाई, और ध्यान दीजिएगा क्लॉक की लाइन पे आपको देखिए, मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, देखिए खास तौर पे बहुत सारे लोग जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि क्लॉक की लाइन में एक सीरीज में रजिस्टर होता है, जो इसके बाद ये लाइन डायरेक्ट CPU में चली जाती है, DS की लाइन भी डायरेक्ट CPU में जाती है, रीसेट की लाइन भी डायरेक्ट CPU में जाती है, इन दो पर हमें वोल्टेज चेक नहीं करना है, और क्लॉक की लाइन पे भी हमें वोल्टेज चेक नहीं करना है। हमें जो वोल्टेज चेक करना है वो चेक करना है कमांड पे, कमांड पे जो वोल्टेज होता है वो एक पुल अप रजिस्टर से, और ये वोल्टेज भी 1.8 वोल्टेज मिलता है, ठीक है। सो ये भी हमें चेक करना है कि भाई इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फोटो खींच लो अभी बता रहा हूं। और ये रजिस्टर 10K का होता है, और ये वाला रजिस्टर 0 ओम्स का होता है, जनरली 20 ओम्स 30 ओम्स देखो यहां पर 33 ओम्स का, तो आप इसको 0 ओम्स का भी रेजिस्टर लगा सकते हो, आप इसको जंपर भी मार सकते हो, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखो कमांड की लाइन को एक बार सर्च करते हैं, तो देखिए यहां पर कमांड की लाइन को हम सर्च करेंगे, ऐसी आ रही कमांड की लाइन को सर्च करेंगे, यहां पर आगे बढ़ेंगे, ये हमारा टेस्ट पॉइंट आ गया, आगे बढ़ेंगे, देखो यहां पर हमारा ये लाइन डायरेक्ट EMMC के अंदर एंटर हो रहा है, यहां पर देखिए, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल इस सेट में एक पुल अप रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, जैसे कि हम देखें इस सेट में हमको कमांड पे पुल अप रजिस्टर देखने को नहीं मिल रहा, ओके। तो अब हम देखेंगे अब हमारे पास और क्या क्या लाइन है, तो ये तीनों लाइनों को और देख लेते हैं और इनके पैड देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तीनों लाइनों को देख लेते हैं और इनके पैड देख लेते हैं और कनेक्शन भी देख लेंगे। तो मेरे भाई यहां पर मैं इसको जूम करूंगा, यहां पर मैं इसको जूम करूंगा, मैं चाहूं तो इसकी लाइन भी देख सकता हूं। अब देखो तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्लॉक M6 क्लॉक की सप्लाई, सो देखो तो यहां से अगर ए बी सी डी ई एफ जी
एच जे फिल्टर। मैं इनको लिख देता हूं ताकि इनको आसानी पड़े। तो मेरे भाई ये देखो, यहां पर हम लिख देते हैं, बोलो ए बी बी सी सी डी ई एफ एफ जी जी एच एच जे जे के एल एल एम एम एन एन पी पी। बस ये देखो, ये लेटर है हमारे। अब हम बात करेंगे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच छह। तो ये वाला जो मेरा है, ये मेरा है आपका बेसिकली एम सिक्स क्लॉक की सी डी ई एफ जी एच। तो ये मेरा एच फाइव है, ये देख। तो बेसिकली ये मेरा जो लाइन जा रहा है, ये लाइन कहां जा रहा है ये भी मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये लाइन जा रहा है एच फाइव, देखो ये मेरे डीएस की लाइन है। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे सीपीयू में थोड़ा सा या एमएमसी में दिखाते रहिए। तो ये जो लाइन है ये कनेक्ट होगी सीधा सीपीयू के अंदर, ये देखिए सीधा सीपीयू के अंदर। और यहां पे आपको और देखने की बात क्या मिली, यहां पर आपको एक टीपी भी देखने को मिलेगा, ये देखिए ये डीएस की लाइन, ठीक है ये वुडू की। चलो यहां पर ये आपको टीपी भी देखने को मिलेगा, तो ये आपको और मिल जाएगा। और इस लाइन में अब आपको जो देखने को मिलेगा वो डाटा की लाइन मिलेगी। देखिए ध्यान देना, तो यहां पर जो डाटा की लाइन है मैं, तो यहां पर अब डाटा की लाइन देखेंगे। तो नोटिस कीजिएगा डाटा मेरा A3, A4, A5, B2, B3, तो A3, देखो A1 ये मेरा एक हो गया A3, तो ये मेरी डाटा की लाइन हो गई। ध्यान देना, तो आइए इसको मैं वैसे बना देता हूं। तो देखिए A3 ये डाटा की लाइन, फिर उसके बाद में हो गया A4 ये डाटा की लाइन, फिर हो गया A5 ये डाटा की लाइन, फिर सेम ये भी तीन डाटा की लाइन, और यहां पर B6 तो यहां पर ये भी डाटा की लाइन, और उसके बाद में हम देखेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन ये आपकी डाटा की लाइन। तो यहां पर डाटा की लाइन पे भी आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये वोल्टेज तकरीबन आपका 1.5, 1.6 या फिर 1.7 ये आपको वोल्टेज होना चाहिए। तो ये वोल्टेज भी देख लेना। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये लाइन कहां जा रही है, तो ये लाइन मैं आपको दिखाऊंगा, ये लाइन आपकी इमेज सीपीयू पर जा रही है। देखिएगा ये देखिए, ये लाइन भी आपकी सीपीयू पर जा रही है। अगर मैं यहां पर आपको लाइन दिखाऊं डाटा की लाइन मैं टिक करके दिखाता हूं, जैसे ये डाटा की लाइन, अब इसको यहां पर दिखाऊंगा। तो देखिए मतलब देखा जाए तो आपका जो एमएमसी है वो बेसिकली सीपीयू के इतने पार्ट से जुड़ा हुआ है एमएमसी है, और ये जो इसके हैं ये इसके एमएमसी के टीपी है। तो ये एमएमसी का पार्ट है, मतलब यहां पर जितने बहुत सारे जो पार्ट है एमएमसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपने सीपीयू लगाया और यहां से कोई भी एक पार्ट आपका ड्रेस हो रहा है या नहीं लगा, तो ये आपका सेट ऑटो पोर्ट बनाएगा। ध्यान देना, क्या बनाएगा? ऑटो पोर्ट, अपने आप पोर्ट बनाएगा। अब ये समझना है तुमको मीडियाटेक में, कॉलकॉम में, सैमसंग में, इस तरह कैसे बनता है, ठीक। तो और अगर मैं अब बात करूं, ये तो हो गई एमएमसी, एमएमसी को और दिखाता हूं कि क्या बचा हुआ है। तो नोटिस करो मेरे भाई, नोटिस करना। अब एक बहुत प्यारी सी फोटो ले लो, मैं चाहता हूं कि इंडिया के हर एक बच्चे के पास ये फोटो, और यही सारी चीज मैंने अपनी बुक में भी डालने की कोशिश की है और बहुत अपडेट किया दोस्तों इस बार, तो और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। सच बताओ एक नोट्स जैसे मिलेंगे आपको, वो बहुत अच्छा है, और उसके परचेस करने से आपको थोड़ा बहुत, मैं बोलता हूँ 2% भी नॉलेज गेन होगा। एक कपड़े खरीदने तो नॉलेज नहीं मिलना ना, अगर कहीं नॉलेज मिल सकता है उसे 2 रुपए कमाए जा सकते तो क्या दिक्कत है। सो यहाँ पर, सो मेरे भाई यहाँ पर हम बात करेंगे कितना वोल्टेज 1.8, यहाँ पर हम बात करेंगे कितना वोल्टेज 2.8, और यहाँ पर हम बात करेंगे कमांड पर हमको 1.8, और ये जो लाइन है ये लाइन टोटल हमारी ग्राउंड लाइन है, और ये जो लाइन है ये डाटा की लाइन है, और डाटा की लाइन पर भी हमको करीबन 1.7-1.5 वोल्टेज मिलना चाहिए ड्यूरिंग जब हम एमएमसी निकाल के चेक कर रहे हो, चार्जर लगा के पीएनयू लगे होना चाहिए, बाकी सारे ऐसी लगे होने चाहिए। फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर हम बात करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं कि इसकी एमएमसी में और क्या है। पार्ट एक तो हमने पूरा देख लिया, पार्ट बी में देखेंगे, तो पार्ट बी में आप देखिए पूरा एनसी मतलब काम का ही नहीं है। अब आ जाता है रैम के सर, तो देखो रैम पे जाते हैं, तो ये आ गया रैम, ठीक है। तो
ये देखो, ये मेरी ख्याल से रैम है जो इसके नीचे दी हुई है, ये देखो बिल्कुल रैम है। EMI VDD1 और VDD2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान देना पूरा वीडियो खोल कर। तो ये जो है, आप पहले इसमें नोटिस करना कि आपको रैम में ना ये दो वोल्टेज ढूंढने, ये दो वोल्टेज VDD2 एक VDD3, बेसिकली VDD, और एक वोल्टेज है VDD1। एक और वोल्टेज आपको मिलने वाला है यहाँ EMI VDD, ये VDD2 में आ रहा है। यहां पर आपको बेसिकली 1.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा, यहां पर भी 1.2। खींच लेना फोटो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है ये फोटो, जैसे A4, तो इसका A4 हम देखेंगे कि इसका A4 कहां पर है। तो ये A4 के साथ बहुत सारे पैड कनेक्ट होने चाहिए। तो देखिए ये रैम का नोस का पॉइंट है, तो ये हो गया A4। सो देखो ये बेसिकली है 1.2। देखो आप ये CPU के अंदर भी है और ये पावर से आ रहा है बेसिकली। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ये A4 की लाइन। अब आप इसमें देखिए कि अब इसमें हम और क्या क्या हम इसमें समझ सकते हैं रैम के अंदर। तो ये वोल्टेज हो गया। देखो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे करके भी दिखाऊं कि कुछ क्या वोल्टेज भी कहीं हमें दिखाई देते हैं, ये देखिए ये वोल्टेज है, मैंने ये बक कैपेसिटर से थ्रू है बेसिकली, ये देखिए यहाँ पर भी है ये वोल्टेज CPU के साथ, और एक फीडबैक सेंस की लाइन है ये यहाँ पर, ये आपका देखो ये आपका CPU है 6-7, और CPU के बाद में यहाँ पर आपको ये देखिए VDD2 की लाइन है जहां पर ये वोल्टेज आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये देखो ये वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको वोल्टेज देखने को मिलेंगे, ये आपकी है एस्ट्रा बक, नाम देना एस्ट्रा बक। बेसिकली ये आपकी जो लाइन है इसको हम VS2 की भी लाइन बोलते हैं मीडियाटेक के अंदर, ठीक है। सो ये वोल्टेज आपको, अगर ये IC खराब हो गई, ये IC पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर कई बार जैसे फीडबैक की लाइन के लिए भी जाता है, इसमें डिवाइडर रजिस्टर भी लगा होता है, इस लाइन पे एक डिवाइडर रजिस्टर भी होता है। अगर ये रजिस्टर भी खराब हो गया, इसको सेल्स के रूप में जाता है, यहाँ पर 0.6 वोल्टेज आता है। अगर ये रजिस्टर भी एक निकल गया तो भी ये वोल्टेज फ्लक्चुएट करेंगे, निकल जाने को सेट डेड हो जाएगा, आप पता ही नहीं कर पाएंगे कहां से डर है, अभी डेथ रह जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ये IC बहुत इंपॉर्टेंट है, देखनी है। अब अगर मैं यहाँ पर रैम की बात करूं, तो पहले रैम में भी आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो सब लोग ध्यान दीजिए, यूट्यूब बड़ा है पर नॉलेजेबल है। तो ये जो ये है NC, ये वाला जो है ये ग्राउंड, और ये सारे हमारे काम के, ये हमारे रैम प्रोसेसिंग की है, ठीक है। तो ये हमारे ना सब वर्किंग पैड है। इसमें से दो वर्किंग पैड है, एक जो डायरेक्ट CPU में जा रहा है, एक जो आपको वोल्टेज, मतलब अगर मैं बात करूं इनपुट वोल्टेज, तो ये हमें वोल्टेज चाहिए, दिमाग में ध्यान रखिएगा, फोटो खींच लेना इसका भी, ठीक है। अब जैसे तो एग्जाम्पल ये वाला पैड, तो आप देखो ये CPU में चला है, ये वाला पैड, ये देखो ये CPU में चला है, ये वाला पैड, ये इस पर वोल्टेज आ रहा है, ये वाला पैड ये CPU में चला गया, ये पैड देखो CPU में, ये पैड देखो ये वोल्टेज आ रहे हैं, ये देखो और दिखाता हूं, ये पैड CPU में, ये देखो वोल्टेज आ रहे हैं, ये देखो CPU में, ये देखो CPU में, यहाँ पे और देखिए ये CPU में, तो ये CPU ये वोल्टेज आ रहा है। सो आप देखो ये भी वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, ये वाला पैड देखो ये अलग, और ये बेसिकली EMI ये लाइन बोलते हैं, ये देखो ये जो है CADQ, याद है मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको याद होगा, नहीं है तो मेरा पुराना वीडियो जरूर देख लेना। ये देखो ये सारा का सारा आपका CPU के अंदर जा रहा है, ये सारा फोटो खींच लेना। इन सब पर अगर मैं बात करूं CPU लगाने के बाद, तो आपको इन सब पर 800 के अंदर और 300 से ऊपर आपको GR मिलना चाहिए, ठीक है, GR मिलना चाहिए, ठीक है। इन पर हमें वोल्टेज चेक नहीं करना है, क्योंकि वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे पास अलग लाइन दी हुई है, तो मैं ये भी दिखा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये देखो पहले हम ए लाइन को समझ लेते हैं और उसके बाद ABC करके पूरा और ये वीडियो को एंड करते हैं, ध्यान दो। सो ये सारा इस लाइन को समझ लेते हैं, तो ये पूरा की पूरा CPU को जा रहा है, और ये भी पूरा की पूरा DQ की लाइन CPU को जा रहा है, ठीक है। एक फोटो खींच लेना, इस पर वोल्टेज नहीं, इस पर GR चेक करना है। दूसरा की लाइन बात करेंगे,
डी। डी में आप देखो, ये देखो, ये है तो सारे एनसीज, बट यहां पर एक लाइन उन्होंने ईएमआई बीडीडी दिया हुआ है जिसपे जीरो उनका रजिस्टर लगाया हुआ है, लेखा एनसी जीरो, ध्यान से देखो। सो ये डी हो गया है हमारा, जो मेरे ख्याल से जी 11 की लाइन है, जो ऊपर की लाइन है जो यहां से कनेक्ट हो रही थी। तीसरा देखो, ये वोल्टेज की लाइन है और तीसरा वोल्टेज है देखो बीडीडी वन, तीसरा वोल्टेज बीडीडी वन। तो यहां पर अगर मैं इन तीनों वोल्टेज की बात करूं, सो ध्यान देना, वीडीडी वन पर 1.8, इस पर 1.2 और इस पर 1.2, ठीक है। ये दो इसकी एस का बक्स से आ रहा है और ये इसके वही L5 के से आ रहा है। सो कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत खोल के दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताई है। मैं ये नहीं कहूंगा और बड़े बोल नहीं बोलूंगा कि वर्ल्ड का सबसे पहला वीडियो वर्ल्ड में ये और वो, मेरे के लिए तो यार ज्ञान नॉलेज एक बराबर है, मुझे आता है तो मैं दे रहा हूँ, सीधी सी बात है। और आपको लगता है कि आप इंडिया में एसर टेलीकॉम से ये नॉलेज ले सकते हैं, सो आप बिल्कुल लीजिए, और अगर आपको बुक परचेस करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारी बैचेस में अगर आना है और यही चीज प्रैक्टिकल करनी है तो बिल्कुल आइए, और हमारे फीडबैक देखना है तो फेसबुक पर जाके लाइक देखिए, रियल फीडबैक। यूट्यूब में आप देखते होंगे रिव्यू वीडियो, आपको लगता होगा कि भाई रिव्यू तो हर जो ट्रेनिंग होते हैं उसमें तो सभी बच्चे सही रिव्यू देते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कहीं ना कहीं आगे का या पीछे का, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं है, जिनको बनेगा वही रिव्यू देंगे। बट अगर मैं बात करूं तो आपको अगर रियलिटी आपको ना चेहरे का स्माइल देखना है तो आप हमारे फेसबुक को ज्वाइन करो और लाइव देखो, अभी भी लाइव चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सर मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?